अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस। मेरा नाम इरम है और हम आईआर सीरीज़ का आज सेकंड लेक्चर देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। इससे पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें हमने फर्स्ट बेसिक टॉपिक कवर किया था। इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आईआर को हमने देखा था। सो आज हम एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि नेशन स्टेट सिस्टम है क्या। तो नेशन स्टेट सिस्टम की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो ये है कि कोई ऐसी टेरिटोरियल बाउंडेड प्लेस हो जहाँ पर कोई सॉवरन पॉलिटी रूल कर रही हो और वहाँ के रहने वाले लोग खुद को एक नेशन तसव्वुर करते हैं। ठीक है, तो इन सब के इम्तिजाज से, इन सब के कम्बिनेशन से एक नेशन स्टेट सिस्टम बनता है। अब जो नेशन स्टेट सिस्टम है, मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम इसी डेफिनेशन से डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, देन टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन और सॉवरेनिटी। मीनिंग देयर टू से कि जो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है उसको वहाँ के रहने वाले लोग तस्लीम भी करते हैं। अब अगर आपने नेशन स्टेट सिस्टम की एवोल्यूशन देखनी है तो आप मोस्टली, हम लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम इसको सिर्फ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से जोड़ देते हैं, जो कि 1648 में हुआ। ऑब्वियसली ये एक बिग स्टेप फॉरवर्ड था जिसने मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की फाउंडेशन बिल्डअप की, लेकिन मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के दरमियान में बहुत सारे इंटरवीनिंग ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने इस नेशन स्टेट सिस्टम के एवोल्यूशन में रोल प्ले किया। तो इसलिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इन सब चीज़ों को कवर करना है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ यूट्रेश हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ वियना है, ट्रीटी ऑफ वर्साय है, फिर पोटसडैम कॉन्फ्रेंस है, अटलांटिक चार्टर है, फिर आपके पास मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम आता है, और फिर आपके पास कंटेम्प्रेरी एरा आता है जिसके अंदर ये नेशन स्टेट सिस्टम एक तरह से डेक्लाइन के अंदर है, आप कह सकते हैं, या इसको कुछ चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर टाइम लाइन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम एंड इट्स एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्टफालिया को देख लें। वेस्टफालिया के अंदर जो है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि सॉवरेनिटी का, नॉन इंटरफेरेंस का, ठीक है, और रिलीजियस जो आपकी लिबर्टी है उसको प्रिजर्व किया गया। तो एक्चुअली ये था किसके दरमियान में, ये होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड और किंगडम ऑफ फ्रांस और स्वीडन, इसके अंदर मेन जो है वो प्लेयर्स थे। वॉर जो थी वो रिलीजियस वॉर थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान में थी, क्योंकि आप सबको पता होगा ये वो एरा था जब पॉप जो था वो रूल करता था, चर्च का जो है वो रूल था, रिलीजियस डोमिनेशन थी और एक रिलीजियस अपरथाइड भी आप उसको कह सकते हैं इस किस्म का था कि वहाँ पर जितनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थी वो रुक चुकी थी, वही होता था जो कि वहाँ पर पादरी कह दिया करता था। तो किताबें जलाई गईं, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए उनको उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही थी उस टाइम पे। वहाँ से फिर ये रेवोल्यूशन आता है, रेनेसां हुआ, फ्रांस की लिबर्टी फ्रेटर्निटी की जो ये मोटो है ये सामने आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो है वो इवॉल्व हुई। बहरहाल सबसे पहले आपके पास वेस्टफालिया था। वेस्टफालिया में उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे वो तो उन्होंने डिवाइस कर लिए कि हमने अपने नेशन स्टेट सिस्टम को किस तरह से लेकर चलना है। इसमें दो ट्रीटीज़ हुए थे, एक ट्रीटी था ऑस्नाब्रुक का और दूसरा ट्रीटी था मंस्टर का। इन दोनों ट्रीटीज़ को मिला के वेस्टफालिया का ट्रीटी जो है बोला जाता है इनको। इसके अहम पॉइंट जो कि नेशन स्टेट सिस्टम से रेलेवेंट हैं, वैसे तो इस ट्रीटी की बहुत सारी और क्लॉजेस भी थी, वो ये हैं कि देखें, अब 1555 में एक ट्रीटी हो रहा है, उसको री इन्फोर्स किया जा रहा है 1648 में,
क्योंकि देखिए चेंज ओवरनाइट नहीं आता, चेंज जो है उसके लिए जो फाउंडेशंस होती हैं वो ऑलरेडी बनना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद कोई एक कार्डिनल पॉइंट होता है, एक कोई ऐसा इवेंट होता है, एक कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी इवेंट होता है जिसकी वजह से वो चेंज जो है वो लेकर आया जाता है, लेकिन ये कि उसके बनने में एक पूरा प्रोसेस होता है। तो सिर्फ 1555 में हम बात ये कर रहे थे कि तब ये डिसाइड हुआ था कि स्टेट का रिलीजन जो है वो किंग डिसाइड करेगा, वहाँ पे जो चर्च है उसका जो हेड है वो डिसाइड नहीं करेगा, किंग जो है वो डिसाइड करेगा कि स्टेट का रिलीजन क्या होगा। लेकिन ऑब्वियसली वो उस तरह से री इन्फोर्स नहीं हो सकी बात, तो वेस्टफालिया के अंदर इसको दोबारा से एग्री इस बात पे किया गया और इसको री इन्फोर्स किया गया। फिर मज़े की बात ये है कि रिलीजियस लिबर्टी इस हद तक देखें आप कि किंग ने डिसाइड तो कर लिया कि भाई स्टेट का रिलीजन ये होगा, लेकिन किंग अपनी अवाम को फोर्स नहीं कर सकता कि वो प्रोटेस्टेंट अगर है तो वो प्रोटेस्टेंट, स्टेट रिलीजन है तो वो सब प्रोटेस्टेंट ही हो जाएं या कैथोलिक हो जाएं। मतलब रिलीजियस फ्रीडम की ये जो क्लॉज है इसको हाईलाइट किया गया। फिर डच रिपब्लिक की इंडिपेंडेंस, अब ये देखने में अजीब सी बात लगती है कि डच रिपब्लिक की इंडिपेंडेंस से क्या ताल्लुक़ है सबका, लेकिन इसका ताल्लुक ये था कि वो एक रिलीजियसली मॉडरेट स्टेट थी, ठीक है, आप सेक्युलर भी इसको किस हद तक कह सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो ज्यूज थे उनका जो है ना, हम तो ये पढ़ते हैं कि नाजीज ने आके उनका जीना हराम किया यूरोप में, लेकिन उससे पहले भी ज्यूज के कुछ हालात वहाँ बेहतर नहीं थे, ठीक है। तो जो डच स्टेट जो है इसकी जो इंडिपेंडेंस थी उसने ख़ास तौर पे उनको बड़ा रिलीफ दिया, वो लोग वहाँ जाके बसे। फिर उसके बाद ये कि नॉन इंटरफेरेंस ये कि कोई भी एक किंग दूसरी स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखिए सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, ये रिलीजियस लिबर्टी, ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमें मॉडर्न नेशन स्टेट के मिलते हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। तो फिर भाई इतना उसमें टाइम क्यों लगा, या हम उसको वेस्टफालिया को और मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज की गई, लेकिन अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट भी आप छोड़ दें, यूरोपियन पावर जो थी वो अपने इक्वल नॉन यूरोपियन पावर को तस्लीम नहीं करते थे। उन्होंने जो ये प्रिंसिपल्स बनाए थे वो आपस में रिलेशंस के लिए बनाए थे, और उसमें भी कुछ 6 to 8 डोमिनेंट पावर्स थी जिनको डोमिनेंट पावर तस्लीम किया गया कि इनका स्वे होगा अफेयर्स के अंदर, इनकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी आप इस तरह से इसकी लेगेसी देख सकते हैं, क्रिटिकल रिव्यू साथ में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ यूट्रेश। ये जो ट्रीटी है ये एक्चुअली स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन से ये लड़ाई शुरू हुई। जाहिर है जब कोई लड़ाई होती है तो उसको सेटलमेंट के लिए फिर आप एट द एंड ऑफ द डे टेबल पर आते हैं और कोई ना कोई ट्रीटी साइन होता है। तो ये स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन थी जिसमें फ्रांस जो है वो अपनी मर्ज़ी का हेयर जो है वो थ्रोन पे बिठाना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन, हॉलैंड और उसके अलायंस जो थे उनको ये डर था कि यूरोप के अंदर पावर जो है वो फ्रांस के हक में टिल्ट हो जाएगी, यानी उनकी डोमिनेशन हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इसको उसके खिलाफ फाइट किया। अब इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि स्पेन में जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी उसमें तो फ्रांस ने की मर्ज़ी का हेयर तो बैठ गया, ठीक है, थ्रोन के ऊपर, लेकिन एक ट्रीटी हुआ जिसमें ये कहा गया कि फ्रांस और स्पेन आपस में अलायंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी फ्रांस के जो इलाके थे वो उनसे ले लिए गए, ठीक है। फिर उस दौरान एक जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि पर्शियन यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, और एक में बड़े मज़े की क्लॉज उसमें इंसर्ट की गई। देखें अब यहाँ पर डायरेक्टली बैलेंस ऑफ पावर का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं, अभी कंसर्ट ऑफ यूरोप अभी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, वो आगे जाके इस्टेब्लिश होगा वियना के अंदर, लेकिन एक उस किस्म की बात हो गई, वो ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोपियन पावर कोई भी मैटर आपस में रिजॉल्व नहीं कर सकते विदाउट गेटिंग दी ओपिनियन ऑफ दी वेस्टर्न पावर्स। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न यही थी कि भाई जो पावर का बैलेंस है यूरोप के अंदर उसको मेंटेन रखा जा सके, ठीक है।
फिर वियना हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना। अब ये क्यों हुआ, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट, आप सबको पता है बेल्जियम के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू हुई जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में एक्सट्रीम किस्म का नेशनलिज्म फ्रेंच फ्रांस के अवाम में जो है वो उसको इंस्टिगेट किया गया और नेपोलियन पावर में आया, फिर उसने हाफ ऑफ द यूरोप कॉन्कर भी कर लिया, उसको एटलीस्ट सब बाकी यूरोपियन पावर ने मिलकर शिकस्त दी। ये सारी मतलब हिस्ट्री है यूरोप की। अब बात यही होती है ना कि जब आप आयर पढ़ रहे होते हैं तो आपको आयर की टर्मिनोलॉजीज वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए और साथ साथ में आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, तब आप अपने क्वेश्चन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो है इसको नेपोलियन को शिकस्त हुई और दोबारा से उन्होंने रीअफर्म किया कि हम वेस्टफालिया के जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करेंगे। यहाँ पर कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, एट पावर को एज अ मेजर पावर रिकग्नाइज किया गया। फिर उसके बाद ये वर्साय का ट्रीटी है, ये तो आप सबको पता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी वो वुड्रो विल्सन की थी, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 पॉइंट्स थे, लीग ऑफ नेशन का आइडिया था जो कि प्रोपोगेट किया गया, ठीक है, और जो कि इम्पॉर्टेंस थी वर्साय की नेशन स्टेट सिस्टम के एवोल्यूशन में, उसमें ये कि एक ओपन डिप्लोमेसी की बात हुई, सीक्रेट ट्रीटीज़ जो है वो नहीं किए जाएंगे। खैर मतलब सीक्रेट ट्रीटीज़ आज भी होते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी आज भी होती है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस जैसे उस टाइम पे हो रही थी। ये सीक्रेट डिप्लोमेसी सीक्रेट पैक्स ही थे जिसने वर्ल्ड वॉर वन को इंस्टिगेट कराया था और फिर उसी से वर्ल्ड वॉर टू जो है उसकी फाउंडेशन जो है ऑलरेडी बन गई थी जब हमने वर्साय किया। अब ट्रीटी ऑफ वर्साय जो है उसमें कुछ अच्छे जो पहले क्लॉजेज हैं आपने वो डिस्कस करने हैं, फिर उसके बाद जब आप इसका क्रिटिकल रिव्यू करेंगे तो आप उसमें बता देंगे कि किस तरह से जो जर्मन के ऊपर रिप्रेशंस लगाई हैं उन्होंने दोबारा से वर्ल्ड वॉर टू की तरफ हमें लेके गई हैं। लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिश होना, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वल ट्रेड कंडीशंस, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड, इक्वल कंडीशन के ऊपर ट्रेड और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन की ये जो क्लॉज है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया जाता है, तो ये जो है ट्रीटी ऑफ वर्साय के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया। क्रिटिकल रिव्यू में मैंने आपको बता दिया आपने ये लिखना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि पोट्सडम कॉन्फ्रेंस। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुई आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि US ने तो मतलब वुड्रो विल्सन ने उसका आइडिया तो प्रोपोगेट किया लेकिन कोई भी मेजर पावर उसका पार्ट नहीं बनी, लोग विड्रॉ करते रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसने लीग ऑफ नेशन अपना रोल प्ले नहीं कर सकी जैसे उसको करना चाहिए था। तो फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसको ख़त्म करने के लिए जो कि इनिशिएटिव हुए उन्होंने फिर मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की बुनियाद रखी, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आपका अटलांटिक चार्टर आएगा और एक आपका पोट्सडम कॉन्फ्रेंस आएगी। जो अटलांटिक चार्टर है उसने UN को इस्टेब्लिश कराया और पोट्सडम कॉन्फ्रेंस ने इन अ सेंस कोल्ड वॉर की तो बुनियाद रखी थी बट किसी ना किसी हद तक डेमोक्रेटाइजेशन के कल्चर को प्रमोट करने में रोल प्ले किया। डीनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन के प्रिंसिपल को असर्ट किया गया यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड रिलीजन वर टू बी रिस्पेक्टेड एंड अलाइंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। लेकिन बहरहाल जर्मनी के दो हिस्सों में तक दो हिस्से तो इस तरह से कि फोर पार्ट तो किए गए थे लेकिन मेनली तो वही था कि जो कि आपके पास आता है जो कि रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था और जो बाकी वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, उस तरह से उसको डिवाइड कर दिया गया। फिर बाद में वो बाकी सारी कोल्ड वॉर की डेवलपमेंट है उनको वहाँ पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि पोट्सडम कॉन्फ्रेंस भी एक स्टेप अनदर लीप फॉरवर्ड था जो कि आपको लेकर जा रहा है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की तरफ। फिर अटलांटिक चार्टर है, अटलांटिक चार्टर में आपने बताना है कि UN की फॉर्मेशन हुई है और UN की फॉर्मेशन जो है ये सबसे UN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सक्सेस और फेलियर पर हमेशा बात होती है, लेकिन ऑब्वियसली आज जो सिस्टम है जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं ये ओनली बिकॉज ऑफ UN है। UN की वजह से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला, डीकोलोनाइजेशन हुई, बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए, तो ये सारा रोल था जो कि उसने प्ले किया। फिर आपने बताना है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, तो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट है क्योंकि सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है आपकी, रीजनलिज्म ने उसको ख़त्म कर दिया है, जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उनको ब्लर कर दिया है, नॉन स्टेट एक्टर, टेक्नोलॉजी का रोल, फिर कंसेप्ट ऑफ राइट टू प्रोटेक्ट जो आपको इंटरवेंशन का राइट देता है, इन सब चीज़ों की वजह से मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो प्रायल के अंदर है।
लेकिन मतलब इट डजंट मीन कि आप ये नेशन स्टेट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर एक पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वो कहते हैं कि हम रीजनलिज्म और फिर अगले स्टेप ग्लोबलिज्म की तरफ जा रहे हैं, बट दैट डजंट सीम मच प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक एक हायर आपकी हायरार्की ऑफ पावर नहीं होता, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो नहीं हो सकता क्योंकि सब पावर इक्वल हैं, तो वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट कैन हैपन इन नियर फ्यूचर, जिस तरह से लिबरलिस्ट और ग्लोबलिस्ट जो है वो इसको देखते हैं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और इंशाल्लाह हम इसको सीरीज़ को कम्प्लीट करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।